ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे वर्ना फ्लूडिक है 1.6 CRDA डीजल इंजन। अभी दोस्तों गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि ये रिवर्स गियर में शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड सभी मतलब 1 से 5 फॉरवर्ड गियर में शिफ्ट हो रहा है कम्प्लीट, लेकिन रिवर्स गियर डालने में दिक्कत है। वैसे उसका क्लच भी कम्प्लीट हो रहा है दोस्तों, तभी तो जाके 1 से 5 गियर में फॉरवर्ड कम्प्लीट है, लेकिन सिर्फ रिवर्स गियर का प्रॉब्लम है। अभी हमने चेक किया है उसका पूरा, वो गियर शिफ्टर भी उसका गियर के ऊपर लगा है वो भी सही है, गियर वायर भी उसका जो केबल है वो भी सही है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम उसको रिवर्स में डालते हैं, गाड़ी चालू है कम्प्लीट, रिवर्स गियर में डालने पर भी दोस्तों ये फॉरवर्ड मतलब आगे फर्स्ट गियर में ही जाती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अभी दोस्तों पूरा वो असेंबली वहाँ से खोल के देखते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे असेंबली है पूरा गियर शिफ्टिंग करने का, और वहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमने चेक किया उसका जो यहाँ पे उसका जो ब्लैक कलर का ये आप बुशिंग देख सकते हैं, तो उसमें दोस्तों प्ले आ गया है मतलब बुशिंग ख़राब है, उसकी वजह से वो पूरा पोजीशन पे नहीं आ रहा है रिवर्स का। यहाँ बगल में आप देख सकते हैं गियर का जो पोजीशन रखते हैं वो केबल है, उसको हम हाथ से खींचते हैं तो कंप्लीट दोस्तों रिवर्स गियर में गियर गाड़ी आ जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत प्ले हो गया है, बुशिंग ख़राब है उसकी वजह से, इसलिए पूरा वायर नहीं खींच रहा है और इसकी वजह से दोस्तों ये रिवर्स गियर में नहीं जा रही है। अभी मैं आपको मैन्युअली हाथ से वायर को खींच के दिखाता हूँ। अभी दोस्तों लॉक रिमूव करके वायर निकाल लिया और उसको खींच के हम रिवर्स गियर में डाल रहे हैं दोस्तों, तो गाड़ी कंप्लीट रिवर्स गियर में आती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट रिवर्स गियर में आ गई है, तो मतलब दोस्तों मेन उसका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ बुशिंग में है। वो लंबे से वो प्लास्टिक का रहता है, लॉन्ग टाइम पे वो ख़राब होता है, तो अभी दोस्तों उसको पूरा बाहर निकाल के पूरा उसका बुशिंग हम चेंज करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्ले है और थोड़ा फटा हुआ भी है यहाँ पे, तो पूरा बुशिंग ही नया डालते हैं। अभी दोस्तों देख सकते हैं हमने पूरा असेंबली बाहर निकाल लिया है और उसका प्ले आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों, अभी ये बहुत ज़्यादा प्ले है इसमें, वो पूरा बुशिंग ही आप देख सकते हैं पूरा ऊपर नीचे हो रहा है, ये पूरा ख़राब है। अभी उसको रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लॉक है और लॉक रिमूव करेंगे तो ये पूरा असेंबली बाहर निकल जाएगा और पूरा जो हमारा गियर शिफ्टर है मतलब जो नॉब लगा रहता है वो पूरा असेंबली बाहर आ जाएगा। बुशिंग निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले ऊपर का जो नॉब रहता है उसको निकाल लेंगे और उसको आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे वो पूरा उसका नॉब है वो बाहर आ जाएगा। मैं दोस्तों ध्यान रहे स्प्रिंग भी रहता है जो रिवर्स गियर की पोजीशन डालने के लिए उसको खींचना पड़ता है, उसमें ये अलग सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा ऊपर से असेंबली बाहर आ गया। अब दोस्तों वो पूरा नॉब है उसको निकालेंगे, ये एक बुशिंग भी दिया है आप देख सकते हैं, लगाते समय दोस्तों ध्यान रहे। अभी दोस्तों ये नया बुशिंग है हमने कंप्लीट मंगवाया है, जेन्युइन है। और ऊपर भी दोस्तों 4 लॉक रहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 4 लॉक है और नीचे की साइड दोस्तों 3 लॉक रहता है, मतलब जो हमारा बुशिंग निकालने वाला है उसको एक बार देख लेना है, नीचे से 3 लॉक है और ऊपर की साइड 4 लॉक है। पूरा असेंबली रिमूव करेंगे तो बुशिंग अपने आप साथ में ही निकल आएगा। अभी दोस्तों हमारे केस में बुशिंग टूटा हुआ था इसलिए आसानी से ऊपर से ही निकल गया है, लेकिन उसको निकालने के लिए पूरा उसका लॉक है वो रिमूव करके मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ही बुशिंग निकलेगा। ये दोस्तों यहाँ पे लॉक है और उसको रिमूव करेंगे तब जाके ये पूरा असेंबली है पूरा पूरा बाहर आएगा और उसके बाद ही दोस्तों हम बुशिंग डालेंगे उसमें। तो अभी उसको लॉक को निकालने के लिए आप यहाँ पे हल्के हल्के से डिसमिस या छेनी से हल्के हल्के मार के उस लॉक को रिमूव कर सकते हैं।
अभी दोस्तों वो पूरा बुशिंग हमने बिठा दिया है, उसका प्रॉपर पोजीशन है और वो उल्टा नहीं बैठेगा दोस्तों। उसका जो मार्क दिया है खाँचा, वो पूरा उसमें बैठेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका पोजीशन, और वो अच्छे से दोस्तों ग्रीसिंग करना है, तभी जाके वो लंबे समय तक चलेगा। अभी उसको इस पोजीशन पे रखते हैं। पहले दोस्तों उस पर पूरा हमारा जो नॉब लगा रहता है उस असेंबली में बिठा के यहाँ पे रखना है, और हल्के हल्के से दोस्तों उसको पेचकस से लगाना है, तभी जाके वो पूरा प्रॉपर लॉक उसका होगा। प्लास्टिक बॉडी है इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, आराम से बिठाना है, हल्के से मारेंगे तो पूरा लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट बैठ गया है। अभी प्ले दिख रहा है दोस्तों, लेकिन उसका जो बगल वाला असेंबली पूरा लगाएंगे शिफ्टर का, तब जाके वो पूरा प्ले चला जाएगा। अभी दोस्तों ये पूरा शिफ्टिंग का असेंबली डालेंगे, वो दोस्तों उसमें भी कट दिया रहता है, तो उसको रोड को डालते समय ध्यान रहे दोस्तों, पूरा कट में ही बैठेगा। और यहाँ पे वो हमारा पोजीशन के अंदर भी छोटा सा बुशिंग रहता है, वो दोस्तों और स्प्रिंग का खास ध्यान रहे दोस्तों, निकालते समय जो उसका पोजीशन है उस पे ही रखना है। ये आराम से बैठ गया। और उसके बाद दोस्तों हमने पहले जो लॉक रिमूव किया था, उस लॉक को प्रॉपर पोजीशन पे बिठाना है। ये हो गया उसका पोजीशन। अभी दोस्तों लॉक को बिठाने के लिए नीचे सपोर्ट रखेंगे, प्लास्टिक बॉडी है इसलिए टूटने का चांसेस है, तो नीचे सपोर्ट रख के ऊपर से हल्के हल्के से मारेंगे तो लॉक बैठ जाएगा आराम से। अभी दोस्तों सबसे पहले जैसे हमने खोला था सभी चीज़ों, उसको स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। सबसे पहले बुशिंग, और उसके बाद दोस्तों जो हमारा गियर नॉब रहता है स्प्रिंग वाला हिस्सा, उसको लगाएंगे, और उसका पोजीशन भी एक बार देख लेना है दोस्तों। अभी इसमें रिवर्स सिस्टम है, जो नीचे गियर नॉब को खींच के डालना है, तो उसका पोजीशन एक बार देख लेना है, दोनों एक ही साइड रहता है। और ऊपर से दोस्तों गियर नॉब है उसमें स्प्रिंग डालेंगे और उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो टाइट हो जाएगा। अभी दोस्तों हमने उसका पूरा असेंबली लगा दिया है कार में, और नीचे गियर वायर का जो लॉक रहता है उसको भी लगा दिया है दोनों। ये दोस्तों पोजीशन वाला है, अभी दोस्तों गियर में डाल के देखते हैं। अभी दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम था रिवर्स गियर डालने में, तो यहाँ पे दोस्तों आपसे देख सकते हैं ये पोजीशन वाला जो वायर है उसमें ये लॉक रहता है, उसको आगे पीछे करके हम उसका रिवर्स गियर का सेटिंग कर सकते हैं। पहले दोस्तों किसी ने किया होगा, बुशिंग थोड़ा बहुत ख़राब रहता है, तो यहाँ से थोड़ा आगे पीछे करके उसको हम सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी बुशिंग पूरा नया डाल दिया है, तो यहाँ से उसका पोजीशन है वो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसको थोड़ा सा आगे करके उसको लॉक में बिठाना है हल्का सा, तो अभी थोड़ा हमने आगे करके यहाँ पे उसको सिर्फ पुश करना है, तो अपने आप उसका जो दाती रहता है उसमें बैठ जाएगा। अभी उसको थोड़ा आगे करके एक बार लगा के देख लेना है, यदि थोड़ा दिक्कत रहे तो आगे पीछे कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। अभी दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करके आप देख सकते हैं रिवर्स गियर में डाला है अभी हमने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, कंप्लीट रिवर्स गियर में आ रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों एकदम स्मूथ हो गया है गियर,
और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।